नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हो आप सभी लोग? सभी को गुड इवनिंग। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए आप लोग अपने ग्रुप्स के अंदर, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं वो आप तक जो आज लाइव हो जाए तो जल्दी से लाइव कर दीजिए। फिर जो कल चैप्टर अपने जहाँ से छोड़ा था उसी को वहीं से स्टार्ट करेंगे। वायरिंग अपने पढ़ रहे थे और कल वायरिंग का जो चैप्टर होगा वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने। तो जल्दी से आप लोग लाइव हो जाइए। तो जल्दी से शेयर कीजिए आप लोग। जिन भी लोगों को समझ में आ रहा है बढ़ाया हुआ, तो आप लोग अच्छे तरीके से उसको लाइक कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो फिर आज हमने जो चैप्टर रहेगा, आज का जो वायरिंग रहेगा, कल जो उन्होंने स्टार्ट किया था उसके कुछ रूल देख लेते हैं आज वापस, क्योंकि कल साउंड प्रॉब्लम था तो इस वजह से कुछ आज अगर साउंड का कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग बता दीजिए मुझे, अगर आपको साउंड सही तरीके से आ रहे हैं। राम राम सभी को। अजय खंडेलवाल बोल रहे हैं कि इनकी आज पहली क्लास है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए मुझे। सभी राइट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, वायरिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो थे IER, उनको 1956 में बनाया गया था और उनके अंदर जो टोटल रूल रखे गए थे वो 146 थे, यानी कि 146 थे। और इनमें से मैंने आपको कुछ रूल बताए थे, कुछ रूल देखो मैंने आपको बताए थे कि एक रूल बताया था मैंने, नियम नंबर 30, कि कोई भी घरेलू जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता के परिसर में उपस्कर और सेवा लाइनें, इसके बारे में ये रूल था कि कोई भी जो बिजली कंपनी जो होगी, जब आपको वो सप्लाई देगी उसके द्वारा जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, पोल्स हो गए, वायर्स हो गए, ये जो आप लोग देखते हो सर्विस वायर्स होती हैं जो अपने घर के बाहर डिस्ट्रीब्यूटर लगे होते हैं, ये सभी तरीके से सुरक्षित होने चाहिए उपभोक्ता के लिए। दूसरा जो मैंने रूल बताया था, नियम नंबर 35 बताया था। इस नियम के अंदर क्या लिखा था, वार्निंग प्लेट, यानी कि जहाँ कहीं भी आपको हाई वोल्टेज हो वहाँ आपको वार्निंग प्लेट होनी चाहिए। जैसा आपने कई बार देखा भी होगा कि कई जगह आपको इस तरीके से एक प्लेट लगी होती है और यहाँ एक कंकाल लगा होता है और नीचे लिखा होता है, ठीक है, चेतावनी या वार्निंग, इस तरीके से इसको लिखा होता है। और नियम नंबर जो इसके अंदर वार्निंग प्लेट लगी होती है और इसके अंदर लिखा होता है उपभोक्ता के परिसर में सेवा लाइनें, परिसर का मतलब होता है सेवा लाइने में उपस्कर। ये नियम आपको बता रहा हूँ, ये जो एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा, जो नियम नंबर 32 जो था ये आपके DMRC 17 के अंदर पूछा भी गया था। नियम नंबर 44 के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो पीड़ित व्यक्ति जो होगा इसके लिए आपको उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि उस पीड़ित व्यक्ति के लिए प्राइमरी उपचार के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद मैंने बताया था नियम नंबर 49, नियम नंबर 49 जो था वो लीकेज करंट से संबंधित था और लीकेज करंट आपको बताया था कि फुल लोड करंट की 1/5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नियम नंबर अपनों ने पढ़ा था नियम नंबर 54, यानी कि 54 नंबर नियम, लो और हाई वोल्टेज के लिए ये जो था ये चेंजिंग था, वोल्टता में परिवर्तन से संबंधित था कि वोल्टेज में जो चेंजिंग होगी वो लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के लिए होगी 5%, अगर एग्ज़ाम के अंदर 5% नहीं आता है तो प्लस माइनस 6% भी लिखा मिल सकते हैं। उसके बाद में ध्यान रखना कि जो हाई या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होगी इसके लिए जो ये था ये 12.5% था, हाई आ गया थी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए, हाई व एक्स्ट्रा हाई, ठीक है, तो इसके लिए जो था ये प्लस माइनस 12.5% था। उसके बाद ध्यान रखना कि नियम नंबर 55, नियम नंबर 55 जो था वो आवृत्ति में चेंजिंग से था, आवृत्ति में परिवर्तन, और इस नियम के अंदर लिखा गया है कि फ्रिक्वेंसी के अंदर जो बिजली आपूर्ति करता है वो प्लस माइनस 3% से ज़्यादा चेंजिंग नहीं करेगा। तो ये कुछ मैंने बेसिक रूल बताए थे। इसके अलावा नियम नंबर एक जो था, नियम नंबर 61, ये लिखा गया है कि 125 वोल्ट से ज़्यादा जहाँ सप्लाई होगी वहाँ आपको आवश्यक रूप से क्या करनी पड़ेगी, अर्थिंग करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को, ये सारे के सारे जो रूल थे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, ये कुछ रूल ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इनको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
उसके बाद देखें वायरिंग जो होती है उसकी कुछ विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि वायरिंग की कौन कौन सी प्रणाली जो होती है और फिर वायरिंग के कौन कौन से मेथड होंगे अपने पास। ब्रश जो होते हैं जो कई प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोग्रेफाइट का भी होता है, तांबा ग्रेफाइट का भी होता है, इसके अलावा कार्बन के भी होता है। ज़्यादातर कार्बन का यूज़ किया जाता है क्योंकि कार्बन जो होगा वो खुद घिसेगा, कम्यूटेटर नहीं घिसेगा। देखो वायरिंग क्या है, सबसे पहले अपने सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि वायरिंग जो होती है उसकी पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, फिर वायरिंग की विधियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने वायरिंग के सिस्टम बढ़ेंगे। वायरिंग के जो सिस्टम होंगे वो तीन प्रकार के होंगे। सबसे पहला रहेगा वो रहेगा ट्री मेथड, ट्री प्रणाली। दूसरा रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली। और तीसरा जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा अपना लूपिंग सिस्टम, लूपिंग सिस्टम। तो इनके अंदर देखो कि क्या क्या होता है इनके अंदर। तो सबसे पहले देखो ट्री मेथड के अंदर दो तरीके हैं, एक तो है जॉइंट मेथड और दूसरा रहेगा कनेक्टर मेथड। कनेक्टर का मतलब होता है संयोजक, जोड़ने वाला। अब जॉइंट के अंदर काम क्या किया जाता है कि जैसे कि तारें आ रही है इस तरीके से, आप लोगों को यहाँ फेज ये मान लेते हैं फेज की तार है और ये मान लेते हैं न्यूट्रल की तार है। अगर आपको काम क्या करना है, यहाँ से फेज और न्यूट्रल चाहिए तो यहाँ से जोड़ उड़ लगाया आपने और यहाँ से न्यूट्रल ले लिया आपने। अगर आप गौर चाहिए तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ से इस तरीके से ले सकते हो। तो इस विधि के अंदर इस तरीके से क्या किया जाता है कि जोड़ लगा करके क्या किया जाता है, आप लोग यहाँ से क्या करोगे जो सप्लाईज होगी वो लोगे फेज या न्यूट्रल लोगे। इसी तरीके से ध्यान रखना कि कनेक्टर मेथड के अंदर क्या करोगे, यहाँ कनेक्टर का यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर काम क्या करोगे इस तरीके से, तो यहाँ में आपने देखा होगा पीवीसी के इस तरीके से या बेकलाइट के कनेक्टर लगे होते हैं इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से आप लोग फेज न्यूट्रल यहाँ से इस तरीके से लेंगे। तो इस विधि के अंदर आप लोग काम क्या करोगे, जोड़ नहीं लगाओगे, वहाँ आप कनेक्टर का क्या करोगे यूज़ करोगे। तो अब आप लोगों को यहाँ से याद रखना है कि जो ट्री मेथड होगा ये अस्थाई वायरिंग के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये मेले हो गए या प्रदर्शनियाँ जो होती है वहाँ इन चीज़ों का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखोगे। वीडियो जो है वो क्लियर आ रहा होगा तो आप लोगों को। अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर काम क्या किया जाता है कि जैसा मान लेते हैं कि अपने घर के अंदर एक मेन है, जैसे ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है और यहाँ ये फेज के लिए और यहाँ ये न्यूट्रल के लिए, इस तरीके से ये फेज का तार यहाँ आ गया और इसी तरीके से यहाँ न्यूट्रल का तार आ गया। अब यहाँ से आप लोग काम क्या करोगे, अलग अलग कमरों के लिए या अलग अलग रूम्स के लिए आप लोग यहाँ से उठाओगे इस तरीके से, और इनमें इस तरीके से मान लेते हैं फेज न्यूट्रल का ये सिस्टम है। अब यहाँ से आपको पता है फेज है तो यहाँ से आपने फेज उठाया और आपने इसको दे दिया, इस रूम को दे दिया। यहाँ से फिर फेज उठाया, आपने इस रूम को दे दिया। इसी तरीके से ध्यान रखना यहाँ से ध्यान रखना कि जो ये जो होगा न्यूट्रल वाला पॉइंट होगा, यहाँ से आप लोग काम क्या करोगे, न्यूट्रल निकालोगे, इसको दोगे, इसको न्यूट्रल निकाल कर क्या करोगे इसको दोगे। इस तरीके से ये काम करना है, इसको इस तरीके से यहाँ उठा दिया और इसको इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ से फिर आप लोग फेज न्यूट्रल क्या अलग अलग रूम्स के लिए भी दे सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जैसे एक पूरी बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर आपने क्या है, सबसे नीचे वाले के अंदर एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, फिर अलग अलग फ्लोर के ऊपर क्या होता है ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगे होते हैं। ये मान लेते हैं फर्स्ट फ्लोर पर है और ये मान लेते हैं सेकेंड फ्लोर पर है। तो यहाँ काम क्या किया जाता है, अगर एक कमरे के अंदर फॉल्ट आता है तो बाकी जो होंगे वो वैसे ही काम करते रहेंगे, उनको किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली के अंदर छोटे छोटे बॉक्स बना करके क्या किया जाता है, सप्लाई को बांटा जाता है। और ये मेनली काम क्या किया जाता है, जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो होती है वहाँ इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ इसको मेन बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स।
उसके बाद देखें लूपिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है। लूपिंग सिस्टम जो होता है ये आगे की प्रणाली के अंदर यूज़ किया जाता है, घरों में जो आप लोग यूज़ करते हो आजकल वो लूपिंग सिस्टम ही होते हैं। इसके अंदर काम क्या करोगे कि जो फेज जो होता है वो तो आप लोग स्विच की सहायता से दोगे, और जो न्यूट्रल जो होगा उसको आप लोग काम क्या करोगे सभी के अंदर कॉमन कर देते हो। तो लूपिंग सिस्टम के अंदर मान लेते हैं ये एक लैंप है और ये दूसरा लैंप है या तीसरा लैंप है इस तरीके से, और इसके ये न्यूट्रल पॉइंट, ये मान लेते हैं न्यूट्रल की तार आ रही है, इसको न्यूट्रल यहाँ से दे दिया, फिर इसको उठाकर यहाँ से न्यूट्रल दे दिया। अब आप लोग काम क्या करोगे, अगर इनको क्या देना है फेज, ये मान लेते हैं सॉकेट है इस तरीके से, तो आप लोगों को काम क्या करना है कि यहाँ फेज का जो ये न्यूट्रल का तार था और ये मान लेते हैं फेज का तार आ रहा है और ये सारे टर्मिनल इनके शॉर्ट होंगे, इसको इस तरीके से कर दिया मैंने, यहाँ जोड़ दिया। अब आप लोग काम क्या करोगे, अगर इसको क्या करना है सप्लाई से जोड़ना है तो यहाँ से आप लोग फेज उठाओगे और इसको दोगे, इसको देना है तो इसको दोगे, इसको देना है तो इस तरीके से देंगे। अब यहाँ से आप लोग काम क्या करोगे, इसको इससे सप्लाई दे दी, इसको इस तरीके से, इसको यहाँ से सप्लाई दे दी, इसको यहाँ से, इसको सप्लाई दे दी। ये जो मेथड जो होता है ये लूपिंग सिस्टम कहलाता है, और इनका आपको डायग्राम भी पता होना चाहिए कि डायग्राम से देखकर भी पूछा जा सकता है कि ये वायरिंग की पद्धति कौन सी है, मेथड कौन सा है। रिंग कोई सिस्टम नहीं है, रिंग प्रणाली जो होता है ये पावर सिस्टम में होता है जिसके अंदर आप लोग रिंग मेथड पढ़ते हो, इंटरकनेक्टेड पढ़ते हो और रेडियल पढ़ते हो, ये तीन प्रकार के होते हैं। रिंग कोई यहाँ वायरिंग का कोई पद्धति नहीं है, ये बात आप लोग याद रखना। रिंग जो होता है वो पावर सिस्टम के अंदर आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली जो होगी वहाँ आता ही है। रिंग प्रणाली हो गया, इंटरकनेक्टेड हो गया और एक रेडियल होता है, तीन मेथड होते हैं यहाँ पे। तो ये जो थी तीन विधियाँ थी, और इन तीन विधियों के अलावा देखें अब वायरिंग करने की विधियाँ पढ़ेंगे। ये तो था सिस्टम कि वायरिंग की जो पद्धतियाँ हैं वो कितनी हैं, तो तीन पद्धतियाँ होगी, एक ट्री मेथड होगा, एक लूपिंग सिस्टम होगा और एक होगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम। अगला जो यहाँ से रहेगा अपना वो रहेगा वायरिंग के प्रकार, यानी कि वायरिंग की टाइप्स। एक होगी इसके अंदर नॉन परमानेंट या जिसको आप लोग क्या बोलोगे अस्थाई वायरिंग, और एक होगी परमानेंट वायरिंग जिसको क्या बोलोगे आप लोग स्थाई वायरिंग। नॉन परमानेंट के अंदर जो वायरिंग का प्रकार पढ़ोगे वो पढ़ोगे क्लीट, और यहां अपने जो परमानेंट के अंदर पढ़ेंगे एक अपने पढ़ेंगे कैसिंग गैपिंग, और एक होगा यहां पे कंड्यूट, और एक इसके अंदर आप लोग पढ़ोगे बैटन। तो यहाँ एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी जो है वो नॉन परमानेंट वायरिंग है या कौन सी अस्थाई वायरिंग है, तो यहाँ इसका आंसर होगा वो होगा क्लीट वायरिंग। और इन तीनों का जो यूज़ किया जाता है वो परमानेंट वायरिंग के लिए करते हो, कि यानी कि आपको एक परमानेंट तरीके से वायरिंग करनी है, और देखा भी होगा आपके घरों के अंदर जो वायरिंग जो यूज़ की जाती है वो परमानेंट होती है, और वो होती है कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। तो ये बात भी आप लोग यहाँ से याद रखोगे। ठीक है, कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग होगी। अब यहाँ से अपने बात करेंगे कि क्लीट वायरिंग के अंदर क्या होगा। क्लीट वायरिंग के अंदर क्या होगा, इस तरीके से वायरिंग होगी, तार जो होगी वो जमीन पर चलेगी, सरफेस पर होती है, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ आप लोग काम क्या करोगे, इस तरीके से चीनी मिट्टी की जो क्लीट जो होती है उसको इस तरीके से लगाओगे। और इसके अंदर एक बात आपको याद रखनी है कि दो क्लीट के बीच की जो दूरी होगी वो 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो होगा यहाँ से बनेगा, दो क्वेश्चन बनते हैं क्लीट वायरिंग के ऊपर कि कौन सी अस्थाई वायरिंग है, तो यहाँ आंसर होगा क्लीट वायरिंग। और दो अगर क्लीट के बीच की दूरी अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ कम से कम कितनी होनी चाहिए, सॉरी अधिकतम कितनी हो सकती है, 60 सेंटीमीटर। और इसको अगर मीटर में चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 6 मीटर लिख सकते हो, 0.6 मीटर। इसके अलावा ध्यान रखना कि अगर ये क्लीट वायरिंग जो भूमि से, अगर भूमि से इसकी ये जो दूरी जो है अगर 1.5 मीटर से क्या कम है, फर्श जो होगा आपका
फ्लोर्स होगा, अगर उस फ्लोर से अगर 1.5 मीटर की दूरी पर है तो इसको ढकने के लिए आवश्यक प्रबंध होना चाहिए। ये अपने इलेक्ट्रिसिटी रूल के अंदर लिखा भी गया है, क्योंकि ये वायरिंग जो होती है सरफेस पर की जाती है, इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी प्रकार से आप लोग कोई आवरण नहीं रखते, इसलिए ध्यान रखना कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर अगर इसको करते हो मिनिमम, इसका मतलब ये 1.5 मीटर हो गया और यहाँ से चार से पाँच फुट बनेगा यहाँ से ये, तो अगर इस फुट के ऊपर अगर ये है वायरिंग जहाँ बच्चों के हाथ पहुँच सकते हैं, तो इसलिए वहाँ आपको काम क्या करना है कि इसको उचित आवरण से क्या करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। तो क्लीट वायरिंग के अंदर दो बातें याद रखोगे कि दो क्लीट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि अगर क्लीट वायरिंग की जो हाइट है फर्श से अगर वो 1.5 मीटर से क्या है कम है, तो वहाँ उचित उसको क्या करने चाहिए, ढकने के प्रबंध होने चाहिए, खुली नहीं रखेंगे। और इसको दीवार के ऊपर सरफेस पर किया जाता है और ये अस्थाई वायरिंग के अंदर काउंट की जाती है। अगली जो वायरिंग रहेगी वो रहेगी कैसिंग कैपिंग। तो ये बात आपको याद रखना है कि ये क्लीट वायरिंग होगी वो अस्थाई वायरिंग या नॉन परमानेंट के लिए वायरिंग के अंदर काउंट की जाती है। अगली वायरिंग जो है वो कैसिंग और कैपिंग है। कैसिंग कैपिंग भी ध्यान रखना सरफेस पर की जाती है, तो ये बात भी आपको यहाँ से याद रखनी है कि कैसिंग कैपिंग वायरिंग भी होती है वो भी क्या है ऑन द सरफेस की जाती है, यानी कि दीवार जो होती है वहाँ पर इसको किया जाता है। कार्बन ब्रश को कितना घिसने के बाद 2/3, यानी कि उसकी जो पूरी लेंथ जो होती है उसका 2/3 भाग अगर क्या होता है घिस जाता है तो उसको बदल देना चाहिए, यानी कि उसका 1/3 भाग रहने पर और 2/3 भाग घिसने पर। तो कैसिंग कैपिंग के अंदर आपने देखा होगा इस तरीके से पूरी क्या होती है कैसिंग होती है, इसको जो दीवार के अंदर फिट करते हो उसको कैसिंग बोलते हो, और इसके ऊपर वाला जो ढक्कन जो होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो कैपिंग। और ये भी ध्यान रखना इसका भी इस्तेमाल आप लोग परमानेंट वायरिंग के लिए करोगे, और इसके अंदर ऊपर वाला जो भाग जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि इस तरीके से पतली पतली झीरियाँ सी बनी होती है, देखा भी होगा आपने कई बार कहीं पर नहीं होता लेकिन ज़्यादातर जो होता होता है, ये जो लाइनिंग जो बनी जो होती है रेखाएं जो बनी होती है, तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ छोटे छोटे क्या होते हैं अगर आप लोग इसको कसने के बाद आप लोग क्या करोगे यहाँ स्क्रू लगाते हो तो उनको कसने के लिए कुछ स्थान मिल जाए ताकि वो गति ना करें, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ होती है। और कैसिंग कैपिंग वायरिंग जो होगी परमानेंट वायरिंग के अंदर क्या की जाती है काउंट की जाती है। अगली जो वायरिंग है वो है कंड्यूट वायरिंग। और कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग देखो कैसी होती है। कंड्यूट जो आप लोग पाइप देखते हो बेलनाकार आकृति में उनको कंड्यूट कहा जाता है, अगर उनको आप लोग दीवार के अंदर करोगे तो वो कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग में काउंट होती है। कंसील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ, इसका मतलब आपके घरों के अंदर पूछा जाए कि कौन सी सबसे सुरक्षित वायरिंग है, तो एक तो होगा कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग और एक अगर आपको लिखा जाता है सरफेस कंड्यूट वायरिंग। तो सरफेस अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब उसी कंड्यूट पाइपों को आपने दीवार के ऊपर किए, ठीक है। और इसी तरीके से ध्यान रखना कि कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग का मतलब होता है उसको आपने दीवार के अंदर किए, तो ये बात आप लोग यहाँ से याद रखोगे। दूसरी बात देखो कि इसके अंदर कंड्यूट जो पाइप जो होती है इस पाइप का जो स्टैंडर्ड साइज होता है स्टैंडर्ड लेंथ जो होती है वो होती है 3 मीटर, यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंड्यूट पाइप जो होती है उसका जो लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, तो ये आपको यहाँ से याद रखनी है कि इसकी लेंथ जो होती है वो नॉर्मली कितनी होती है 3 मीटर होती है, ठीक है, नॉर्मली इसकी 3 मीटर होती है। अगर इसका डायमीटर पूछा जाए या व्यास पूछा जाए तो ये व्यास ध्यान रखना 20 एमएम से लेकर के 64 एमएम के क्या होता है बीच में होता है। फिर बात आती है कि जो कंड्यूट पाइप जो होगी इस तरीके से इसकी ये जो मोटाई जो होगी कंड्यूट पाइप की जो मोटाई जो होगी ये ध्यान रखना 1.2 एमएम से क्या नहीं होनी चाहिए कम नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ से याद रखना है कि कंड्यूट पाइप जो होती है उसकी लेंथ कितनी होती है नॉर्मली, उसका व्यास कितना होता है, ठीक है, और उसकी जो मोटाई जो होगी वो कितनी होती है नॉर्मली, तो ये बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। और कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग है ये सबसे सुरक्षित वायरिंग है। और लेंथ ध्यान रखना अगर ये 3 फुट में नहीं दिया 3 मीटर में नहीं दिया तो आपको 10 फुट भी दे सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर के अंदर जो फुट होता है वो 3.28 होता है। तो यहाँ ध्यान रखना कि मीटर की जगह आपको अगर फुट दे तो 10 फुट इसका राइट आंसर होगा।
उसके बाद में आती है बैटन। बैटन वायरिंग का इस्तेमाल सबसे पुराने समय के अंदर किया जाता था, और ये लकड़ी जो होती है इसके अंदर जो यूज की जाती थी वो टीक वुड होती थी, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो, सांगवान। और सांगवान की लकड़ी का इसलिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई गांठें नहीं होती। और यहाँ से आपको यह क्या बातें याद रखनी है, सबसे पहले बैटन वायरिंग के अंदर अपने बात करें तो लकड़ी जो होती है, बैटन जो होती है वो किसकी बनी होती है, और बैटन की जगह आपको यहाँ फट्टी भी लिखा हुआ मिल सकता है या बत्ता भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसके अंदर जो इसकी जो मोटाई जो होती है, सबसे पहले बात करेंगे लकड़ी, लकड़ी जो होती है उसको टीक वुड या वो क्या बोला जाता है, सांगवान। और राजस्थान के अंदर उदयपुर डूंगरपुर की साइड ये वृक्ष जो होती है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसके अलावा ध्यान रखना कि जो बैटन की लकड़ी जो होगी वो टिक वुड की होगी। अब बैटन की जो मोटाई होगी वो कितनी होनी चाहिए, इसकी जो मोटाई होनी चाहिए वो 10 mm होना चाहिए मिनिमम, यानी कि 1 cm कम से कम होना चाहिए। फिर बात आती है कि इस बैटन के अंदर आप लोग काम क्या करोगे, जो तारे रखोगे उन तारों को कसने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि ये एक लकड़ी की बैटन है और इसके अंदर ये तारे हैं, इन तारों को बांधने के लिए आप लोग काम क्या करोगे, इस तरीके से लिंक क्लिप्स होती है, ठीक है, इन क्लिप्स का यूज़ करते हो। तो ये अगर तार जो वायरिंग जो होती है, अगर ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल चल रही है या इस तरीके से छेदी चल रही है, तो इनके अंदर जो आप लोग दो क्लिप्स के बीच की जो डिस्टेंस रखोगे वो कितनी रखोगे, ऊर्ध्वाधर के अंदर ये दूरी जो होगी वो 15 cm होनी चाहिए, और क्षैतिज के अंदर ये जो दूरी जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 10 cm, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बैटन वायरिंग के अंदर दो लिंक क्लिप्स के बीच की जो क्षैतिज दूरी जो होगी वो 10 cm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो ऊर्ध्वाधर जो डिस्टेंस है वो 15 cm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ से याद रखना। और बैटन वायरिंग के अंदर जो बैटन के जो बॉक्स लिए जाते थे, उस बॉक्स की जो मोटाई अगर पूछा जाए तो इसकी जो बॉक्स की जो मोटाई होगी ये ध्यान रखना 40 mm, यानी कि 4 cm मिनिमम होनी चाहिए। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अपने वायरिंग की जो सामग्री जो प्रयोग की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। पावर सिस्टम की क्लास भी आप लोगों की लगाएंगे तो आप लोग निश्चिंत रहिए, पहले उन चैप्टरों को करेंगे जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है एग्जाम के अंदर। और वायरिंग एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और रूल्स की अगर अपने बात करें तो जैसे दो सर्किट्स होते हैं, एक पावर सर्किट होता है और एक होता है लाइटिंग सर्किट। कि वायरिंग के अंदर सर्किट्स के अगर अपने प्रकार देखें, सर्किट टाइप्स के, तो दो प्रकार के सर्किट होते हैं, एक होगा पावर सर्किट और एक कौन सा होगा, लाइटिंग सर्किट, और एक होगा अपने पास लाइटिंग सर्किट। देखो अगर पावर सर्किट है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा तो वहां जो उपभोग बिंदुओं की संख्या होगी, यानी कि उपभोग यानी कि कंज्यूमिंग पॉइंट जो होंगे इंग्लिश के अंदर, वो इनकी जो संख्या होगी वो मैक्सिमम कितनी रखी जा सकती है 2। जबकि अगर इस लाइटिंग सर्किट की बात करें तो यहाँ जो उपभोग बिंदुओं की या कंज्यूमिंग पॉइंट की संख्या जो अधिकतम होगी वो 10 होगी। इसके अलावा इसका देखो, आपके घरों के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना होता है उसके अंदर जो स्विच लगाते हैं वो अधिकतम 10 लगा सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि लाइटिंग सर्किट के अंदर इसकी अधिकतम संख्या 10 होगी जबकि यहाँ कितनी होगी 2। फिर बात करते हैं लोड कितना जोड़ सकते हो, यानी कि इन पर अधिकतम भार कितना जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ 3000 वाट यानी कि 3 kW मैक्सिमम लोड जोड़ा जा सकता है, जबकि यहाँ जो अधिकतम लोड जोड़ा जा सकता है वो कितना, 800 वाट। तो ये जिन्होंने भी आंसर दिया, कमल चौधरी, हिम्मत गुर्जर, इन्होंने बिल्कुल सही बताया। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ से याद रखना। इसके अलावा एक चीज़ और भी बताई गई कि घर के अंदर जो लाइटिंग के जो होते हैं, लाइटिंग सर्किट जो होता है, इनके उप परिपथ कितने होने चाहिए। जैसे घर के बाहर आपके पास MCB लगी हुई है, ऐसे इनके कितने बॉक्स होने चाहिए, एक होना चाहिए, दो होना चाहिए, कितने लाइटिंग परिपथ के उप बिंदु यानी उप परिपथ होने चाहिए, एक होना चाहिए, दो होना चाहिए या 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, कि लाइटिंग परिपथ के अंदर कितने उप परिपथ होने चाहिए।
तो यहाँ इनके जो उपपरिपथ होने चाहिए वो दो होने चाहिए, ये बात आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद एक चीज और देखें, उसके बाद जो बात आती है हाइट की, देखो दो चीज़ें होती है आपके पास जिसकी आपको कुछ ना कुछ हाइट होगी, और एक अपने बात करेंगे इसकी जो अपने पास एनर्जी मीटर जो होगा, और एक होगा डिस्ट्रीब्यूशन या स्विच सॉकेट। देखो लैंप होल्डर जो होगा या लैंप जो होगा इसकी जो जमीन से जो हाइट जो होनी चाहिए वो 2.25 मीटर, यानी कि 2.25 मीटर इसकी क्या होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए। और इसके अलावा ध्यान रखना जो सीलिंग फैन जो होगा इसकी जो हाइट होगी वो 2.4 मीटर से लेकर के 3 मीटर के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा जो इसकी हाइट के बाद एक चीज़ और याद रखोगे, जो छत होती है और जो छत की पंखे की जो ताड़ियाँ जो होती हैं इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कम से कम 1 फुट होना चाहिए, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कम से कम 1 फुट होना चाहिए। एनर्जी मीटर जो होता है घर के बाहर लगा होता है उसकी भूमि से जो ऊंचाई होनी चाहिए, फ्लोर से जो ऊंचाई होनी चाहिए फर्श से, वो होनी चाहिए यहाँ पे 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर क्या होना चाहिए कम से कम होना चाहिए। इसके बाद स्विच या सॉकेट की अगर हमने बात करें तो ये भी इसकी भूमि से जो ऊंचाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर मिनिमम होना चाहिए। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ से याद रखेंगे, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद देखें, इसके बाद दो चीज़ें आप लोग और देखनी है यहाँ पे कि घर के अंदर आपके पास लोड होते हैं, और कई बार आपने देखा भी होगा कि अगर लोड ज़्यादा होता है तो आपको 3 फेज का कनेक्शन लेना पड़ता है, तो कितनी लोड पर आपको 3 फेज की सप्लाई जो होगी लेनी होगी इसके लिए भी कुछ रूल बनाए गए हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, जैसे आपके घर के बाहर जो खंभे लगे होते हैं उनके जो केबल्स होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर कहलाती है, यानी कि उनको वितरक आ जाता है, और वितरक से आगे जो आपकी तारें जो आती है जिसको सर्विस मैन बोलते हो उसका जो होगा उसके अंदर जो ड्रॉप जो होगा वो कितना हो सकता है मैक्सिमम, यानी कि जो केबल जो होगी डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा उसके अंदर अधिकतम जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी अगर मात्रा पूछी जाए कितना परसेंट हो सकता है, तो उसका जो परसेंटेज हो सकता है अधिकतम वो ध्यान रखना 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा ध्यान रखना कि जो अधिकतम जो अपना लोड जोड़ सकते हो सिंगल फेज की सप्लाई पर वो होगा 3 किलोवाट। तो यहाँ ध्यान रखना कि सिंगल फेज कितने किलोवाट तक का लोड जोड़ सकते हो, 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट, और 3000 से ज़्यादा अगर लोड है तो आपको 3 फेज की सप्लाई लेनी पड़ेगी। इसके अलावा ध्यान रखना कि जो केबल के अंदर वोल्टता ड्रॉप जो होगा, केबल के अंदर वोल्टता ड्रॉप जो हो सकता है वो 3% जो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर आपको 230 वोल्ट की सप्लाई घोषित कर रखी है तो इसका मतलब अधिकतम जो वोल्ट का ड्रॉप होगा वो कितना हो सकता है, 6.9, यानी कि 23 को 3 से गुणा करें तो 6.9, तो 6.9 से ज़्यादा वोल्ट का ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ये तो बातें थी इनके कुछ नियम्स की। अब हमने जो बात करेंगे वो बात करेंगे यहाँ पे वायरिंग के अंदर जो उपयोग होने वाली सामग्रियां जो होती है उनके बारे में। तो सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्विच। देखो सर्किट जो होता है उस परिपथ के अंदर स्विच काम क्या करता है, सर्किट को ऑन और ऑफ करने का काम करता है। इसका मतलब स्विच किसकी तरह काम करता है, ये कंट्रोलिंग डिवाइस या कंट्रोलिंग एसेसरीज की तरह काम करता है। फिर ध्यान रखना स्विच जो होगा इसको हमेशा कहाँ लगाना चाहिए, स्विच की जो स्थिति जो होगी वो कैसे होनी चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, फेज के क्या होना चाहिए सीरीज के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्विच जो होगा वो किस प्रकार लगाना चाहिए, चाहे स्विच हो गया चाहे फ्यूज हो गया, ये हमेशा क्या होना चाहिए, फेज के सीरीज में होना चाहिए। न्यूट्रल में भी अगर आप लोग लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम करेगा, लेकिन अपनी जो सुरक्षा होगी वो यहाँ से, ठीक है। देखो मान लेते हैं ये लैंप है और ये इसको तूने आपने न्यूट्रल दे दिया और यहाँ से आपने क्या कर दिया, फेज दे दिया। अगर आपने ये स्विच ओपन कर रखा है तो अगर आप लोग यहाँ हाथ लगाओगे तो आपको करंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ न्यूट्रल है और यहाँ क्या है, कुछ वोल्टेज नहीं है क्योंकि फेज स्विच आपने क्या कर रखा ओपन।
अगर मैं यहाँ काम क्या करता हूँ इसको फेस दे देता हूँ और यहाँ क्या कर देता हूँ न्यूट्रल, तो न्यूट्रल अगर आप दो लोगे तो ये लैंप ऑन होगा, लेकिन अगर ये ऑफ है उस कंडीशन के अंदर भी ध्यान रखना क्या होगा कि ये लैंप के अंदर अगर आप लोग यहाँ हाथ लगाओगे तो फेज होगा, तो इसका मतलब आपको झटका लग सकता है। मेन काम क्या किया जाता है, सुरक्षा की दृष्टिकोण से फेज को क्या किया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है स्विच के, स्विच जो होगा वो फेज के क्या लगाया जाता है, सीरीज में। फिर फेज के अंदर आपने दो चीज़ें, स्विच के अंदर दो चीज़ें पड़ी होगी, एक तो पोल पड़ा जाता है, एक तो क्या होता है वे बोल दो या थ्रो बोल दो। देखो पोल का मतलब ये होता है कि आप लोग जो है फेज या न्यूट्रल को कितने तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। अगर आपने केवल एक फेज को कंट्रोल किया तो उसको बोलेंगे सिंगल पोल, अगर आपने दो फेजों को किया है या एक फेज और एक न्यूट्रल को किया तो उसको डबल पोल। तो पोल का जो निर्धारण किया जाता है वो फेज या न्यूट्रल को कंट्रोल करने के लिए कितने तरीके आपके पास उसके लिए उसके हिसाब से किया जाता है, यानी कि कंट्रोलिंग मेथड्स होंगे वही क्या कहलाते हैं, फेज कहलाते हैं, पोल कहलाते हैं। अगला है वे। वे का मतलब ये होता है रास्ता, यानी कि एक सर्किट जो है उसको अंदर धारा देने के लिए आपके पास स्विच कितने रास्ते प्रोवाइड करवा रहा है, प्रदान करवा रहा है, तो वही काम क्या कहलाता है, वे कहलाते हैं। तो यहां धारा के जितने रास्ते मिलेंगे वो क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं। अब अपने पास क्या, जैसे मान लेते हैं कि एक लैंप को ऑन करना है, इस लैंप को क्या करना है, ऑन करना है, और आपने इधर से फेज दे दिया, इधर से न्यूट्रल दे दिया और इधर से क्या दे दिया, फेज। अगर मैं काम क्या करूंगा, स्विच को ऑन करूंगा तो ये लैंप जलेगा। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए कि स्विच का नाम क्या होगा, यहाँ इस स्विच का आप लोग क्या नाम बोलोगे। हाँ, अगर दो से ज्यादा दो रास्ते हैं तो टू भी हो जाएगा, तीन रास्ते हैं तो थ्री भी हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग मुझे बताइए कि ये स्विच जो होगा इस स्विच का नाम क्या होगा। तो इसके दो तरीके से आप लोग नाम बोल सकते हो। देखो एक तो होगा सिंगल पोल बोल सकते हो इसको, क्योंकि आपने फेज को कंट्रोल किया, और दूसरा आप लोग बोल सकते हो सिंगल वे, या इसका नाम आएगा सिंगल थ्रो, यानी कि शॉर्ट के अंदर लिखा मिलेगा SPST या SPSW। अगर आपको बोला जाए कि एक लैंप जो है उसकी सप्लाई कंट्रोल करनी है या उसको नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के स्विच का प्रयोग करोगे, SPST SPDT DPDT और DPST, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि सीढ़ियां की जो वायरिंग जो होती है, जो स्टेयर जो स्टेयर गेज जो होता है, वहां किस प्रकार के स्विच का प्रयोग किया जाता है, सीढ़ियां जो होती है वहां किस प्रकार के स्विच का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो इसके बारे में आप लोग मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। वहाँ टू वे का होगा, ध्यान रखना टू वे होगा, लेकिन पोल एक ही कंट्रोल करोगे। इसका डायग्राम देखो किस तरीके से बनता है, और कितने स्विच का प्रयोग करोगे सीढ़ियों की वायरिंग के अंदर, अगर आपसे पूछा जाए कितने टू वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। इसका डायग्राम ये होता है, तो दो टू वे स्विच होंगे और उनकी संख्या दो होगी। हाँ, और इसमें टर्मिनलों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए टू वे स्विच के अंदर वो तीन होती है, और सिंगल वे जो होगा उसके अंदर कितनी होगी, दो होगी। अब यहाँ से अगर इस स्विच को ओपन करेंगे ना तो भी धारा के लिए रास्ता मिलेगा, नीचे करेंगे तो भी धारा के लिए क्या मिलेगा, रास्ता मिलेगा। इंटरमीडिएट के अंदर तीन या इससे ज़्यादा होंगे। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो टू पोल का जो स्विच होगा, सॉरी सिंगल पोल होगा और लेकिन टू वे होगा, यानी कि सीढ़ियों की वायरिंग के अंदर सिंगल पोल डबल थ्रो या सिंगल पोल डबल वे, इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये बात आप लोगों को यहां से याद रखनी है। इसको इंटरमीडिएट नहीं कहा जाता, इंटरमीडिएट के अंदर धारा के लिए जो रास्ते मिलते हैं वो दो से ज्यादा यानी कि तीन कम से कम मिलते हैं उनको कहा जाता है, इनको आप लोग केवल टू वे ही बोलेंगे। स्विच के बाद जो अगली युक्ति रहेगी अपनी वो रहेगी सॉकेट। सॉकेट आप लोग मुझे बताइए कौन सी डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है, होल्डिंग है, कंट्रोलिंग है, कौन सी डिवाइस है, तो सॉकेट जो होगा वो कौन सी डिवाइस होगा।
आउटपुट, वेरी गुड, जिन्होंने भी आउटपुट दिया बिल्कुल सही है। देखो सॉकेट जो होता है आपको आउटपुट देने का काम करते हैं। देखो स्विच जो होगा वो उसके जो टर्मिनल्स होंगे वो तो बने होंगे पीतल के या किसी चालक मटेरियल के, ऊपर वाली जो बॉडी जो होती है वो बेकलाइट की होती है। सॉकेट जो होगा ये काम क्या करता है, आउटपुट देने का क्या करता है, काम करता है। एक बात आपको ये याद रखना, अब यहाँ ध्यान रखना कि इसके अंदर दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है टू पिन और एक होता है थ्री पिन। टू पिन के अंदर जो राइट साइड जो होता है ये फेस के लिए होगा, लेफ्ट साइड होगा ये न्यूट्रल के लिए होगा। इसी तरीके से ये फेस के लिए होगा, ये न्यूट्रल के लिए होगा, और ये तीसरा टर्मिनल बड़ा होगा और गहरा होगा ये किसके लिए होगा, अर्थ के लिए होगा। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसके अंदर जो तीसरा जो टर्मिनल होगा, तीसरा जो टर्मिनल होगा उसको मोटा और गहरा क्यों रखा जाता है। यहाँ से जो सवाल पूछा जाता है कि तीन पिन के सॉकेट के अंदर जो होगा वो तीसरा पिन का काम क्या करता है, तीसरा पिन किस लिए यूज किया जाता है, तो आप लोग ये बताइए तीसरा पिन जो होगा वो किस लिए काम करेगा। प्रतिरोध कम करने के लिए, वेरी गुड, ये तो बात सही है कि मोटा रखा जाता है वो प्रतिरोध कम करने के लिए रखा जाता है। वेरी गुड, लीकेज करंट प्रोवाइड जो होती है वो इसी से होती है। ये टर्मिनल जुड़ा कहाँ होता है ये और बता दीजिए कि इस टर्मिनल का कनेक्शन जो होगा वो कहाँ होगा, फेस के साथ होगा, न्यूट्रल के साथ होगा, उपकरण की बोर्डिंग के साथ होगा या अर्थिंग के साथ होगा। अगर आपको ये पूछा जाए कि तीन पिन सॉकेट के अंदर सबसे ऊपरी पिन जो होती है वो किसके साथ जुड़ी होती है, फेस के साथ, न्यूट्रल के साथ, अर्थिंग के साथ, बॉडी के साथ, ग्राउंड जिन्होंने भी बोला है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कोई आपके पास देखो बॉडी के साथ में तो प्लग जो होता है ना वो जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ अर्थिंग जो होगी ना वो जो जुड़ी होगी वो इसी सॉकेट से तार जाएगा अर्थिंग के लिए जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखना। तो सॉकेट जो होता है वो आउटपुट का काम करता है, और सुरक्षा की दृष्टि से आपको जो सॉकेट लेने होंगे वो यहाँ से आप लोग याद रखोगे वो किस कौन से होंगे, वो होंगे आपके पास तीन पिन सॉकेट होना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखना कि एक होता है 5 एम्पियर का सॉकेट और एक होता है 6 एम्पियर का, 16 एम्पियर या 15 एम्पियर का, 5 एम्पियर या 6 एम्पियर या 15 एम्पियर या 16 एम्पियर, इनकी जो पावर रेटिंग होगी इनकी 100 वाट होती है और इनकी क्या होती है 1000 वाट होती है। तो ये बात आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। उसके बाद देखें सॉकेट के बाद में जो अगला जो रहेगा वो रहेगा अपना स्लिंग रोज। सीलिंग रोज का आप लोग मुझे ये बताइए कि काम क्या किया जाता है, सीलिंग रोज होता है वो किस लिए काम में लिया जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि सीलिंग रोज होगा वो आउटपुट है या इनपुट है, पहले तो ये बताइए। और दूसरा, यहाँ मैंने दो डायग्राम बनाए हैं, एक टू पिन है और एक थ्री पिन है। आउटपुट देगा, वेरी गुड, आउटपुट सही। अब ये बताइए कि इसको जोड़ किसके और जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ एक स्टूडेंट जो है रवि यादव, उन्होंने सही बताया भी है, आउटपुट का काम करेगा, वेरी गुड, जिन्होंने भी आउटपुट बोला है वो सही है। दूसरा ये बताइए कि जो सीलिंग रोज होगा ये किसको जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है सर्किट के अंदर, या आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, फिर आप लोग आंसर बताइए, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। वेरी गुड, जिन्होंने भी फैन बोला है, वेरी गुड, सही है आंसर। और बताइए एक युक्ति और होती है जिसको जोड़ते हो आप लोग, फैन के अलावा कौन सी चीज़ होगी, फैन के अलावा जल्दी बताइए। ठीक है, फैन बिल्कुल सही है। इसके अलावा ट्यूबलाइट जो होती है उसको भी आप लोग जोड़ सकते हो, रोहित यादव ने बिल्कुल सही आंसर बताया इसका। तो ट्यूबलाइट या पंखे को जोड़ने के लिए किस युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ आप लोग किसी सप्लाई से अगर पंखे या ट्यूबलाइट को जोड़ना है तो वहाँ आप लोगों को काम क्या करना पड़ेगा, सीलिंग रोज जो होगा इसका यूज़ करना पड़ेगा। ये सीलिंग रोज भी ध्यान रखना टू पिन होगा, अरे कौन सा होगा थ्री पिन होगा, तो ये बात ध्यान रखना। और यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट को आगे ले जाने के लिए आप लोग काम क्या करोगे, सीलिंग रोज का क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे, तीसरी पिन जो होगी इसके अंदर ये न्यूट्रल आगे ले जाने के लिए काम में रहेगी। लक्की राठौर जी ने बिल्कुल सही आंसर बताया, इनका भी नाम लेते हैं, मनीष वर्मा ने भी सही आंसर बताया, और आउटपुट देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक चीज़ और देख लें, प्लग जो होता है, प्लग, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि प्लग जो होगा ये कौन सी डिवाइस है।
आप लोग वायरिंग के अंदर प्लग का यूज करते हो, प्लग जो होता है ये किस प्रकार की युक्ति है? तो प्लग किस लिए यूज किया जाता है या कहां इसका यूज किया जाता है, तो इसके बारे में आप लोग मुझे बताइए। और प्लग इनपुट है, आउटपुट है, किस प्रकार की डिवाइस है ये भी और बता दीजिए। तो यहां मैंने दो डायग्राम है, एक तो टू पिन होगा और एक कौन सा होगा, थ्री पिन होगा। इसके अलावा एक डायग्राम और बना देता हूं। तो ये बताइए कि क्या होगा, ये इनपुट का है, वेरी गुड। इनपुट जो होगा, इनपुट डिवाइस है, ये किसी भी उपकरण को क्या करने के लिए, इनपुट देने के लिए यूज किया जाता है। तो यहां से ये बात आपको याद रखना। दूसरा बात देखो, यहां आपके पास, यहां मैंने जो डायग्राम आपको बताया, एक तो टू पिन है और एक कौन सा थ्री पिन है, ये होगा। अब आप लोग ये बताइए कि थ्री पिन का जो इस्तेमाल किस युक्ति को जोड़ने के लिए करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं, कि किस के अंदर आप लोग थ्री पिन जो प्लग होगा वो देखने को मिलेगा आपको, कौन सा जो होगा। यहां से आप लोग मुझे बताइए, टीवी होगी, एलईडी होगी, हीटर होगा या मोबाइल चार्जर होगा, कौन से ऐसी युक्ति है जिसके अंदर आप लोग थ्री पिन, जिसने भी हीटर जवाब दिया, वेरी गुड, जिन्होंने भी हीटर जवाब दिया, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। देखो, जितनी भी ज्यादा वाट की जो युक्तियां जो होती है, उन सभी के अंदर आपको पता है अर्थिंग करना जरूरी है, क्योंकि वो करंट ज्यादा लेती है, क्योंकि वो क्या करती है, करंट को क्या करती है, ज़्यादा लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो उसकी फेज का तार अगर उसकी बॉडी के साथ में टच होगा तो वहाँ उसकी बॉडी में भी करंट आएगा। अगर आपने अर्थिंग कर रखी है तो वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी, लेकिन अगर आपने अर्थिंग नहीं कर रखी तो वो सारी करंट क्या होगी, उस बॉडी में रहेगी। अगर आप लोग उस बॉडी को हाथ लगाओगे तो वहाँ काम क्या होगा, आपको झटका लग सकता है। तो इस झटके से बचने के लिए काम क्या किया जाता है, थ्री पिन जो हाई वाट की युक्तियाँ जो होती हैं उन सभी के अंदर थ्री पिन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और तीसरा पिन मोटा और लंबा क्यों रखा जाता है ये बताइए आप लोगों ने, कि आपको मैंने यहाँ बताया तो तीसरा जो पिन होगा ये मोटा भी होता है और लंबा भी होता है, तो ये बताइए कि क्यों रखा जाता है। और कम वाट की जो युक्तियां जो होती है, जहां आपको झटका लगने की संभावना नहीं होती बिल्कुल भी, या जिनकी बॉडी जो होगी वो प्लास्टिक या बैकलाइट की बनी होती है, जैसे टीवी हो गया, इनके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना कि टू पिन वाले ही शोके प्लग और मिलेंगे, ठीक है। वेरी गुड। सबसे पहले देखो, इसका जो पिन जो होता है मोटा इसलिए लिखा जाता है ताकि ज्यादा करंट को वहन कर सके। कुलदीप दैया जी ने बिल्कुल सही आंसर दिए। और लंबा क्यों रखा जाता है, लंबा क्यों रखा जाता है ये बताइए। देखो, लंबा इसलिए रखा जाता है कि जब आप लोग सॉकेट के अंदर इसको लगाओ तो सबसे पहले अर्थिंग वाला पिन ही लगे। अगर कोई भी फॉल्ट होगा, अर्थ फॉल्ट होगा, तो सबसे पहले अर्थिंग पिन लगी होगी, उसके बाद फेज वाले और न्यूट्रल वाले तार जुड़ेंगे तो आपको झटका नहीं लगेगा। और जो ग्राउंड किया होगा, अगर आपने अर्थिंग कर रखी होगी, तब काम क्या होगा, तब ध्यान रखना क्या होगा, हाँ, सबसे पहले टच हो, लकी जो है उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया कि पहले टच होगा तो वो क्या होगा, बाकी अगर बाद में टच होंगे तो अगर फॉल्ट होगा तो वो सारी करंट क्या चली जाएगी, जमीन में चली जाएगी। तो ये बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसके अंदर ये तीसरी जो तार होगी, इसके अंदर आपको पता है तीन तारें होगी, एक फेज का होगा, एक न्यूट्रल का होगा और एक कौन सा होगा, अर्थिंग का। अर्थिंग तार होगा और फेज का होगा, इसकी पहचान कैसे करोगे आप लोग कि कौन सा फेज का तार है, कौन सा अर्थिंग का है, कौन सा न्यूट्रल का है, तो ये बताइए। फिर एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं आपसे। तो यहां आपको ये बताना है कि फेज का तार का रंग क्या होगा, न्यूट्रल का तार का रंग क्या होगा, अर्थिंग का, क्योंकि तारों के रंग से आप लोग क्या करोगे, पहचान करोगे। ग्रीन जो होगा वो किसका होगा, ग्रीन होगा वो किसका होगा, वेरी गुड, जिन्होंने भी ग्रीन दिए कलर कोड से, वेरी गुड, कलर कोड जिन्होंने भी बोला। देखो, फेज का तार होगा, इसका रंग इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार लाल होना चाहिए, न्यूट्रल का रंग क्या होना चाहिए, काला, और जो अर्थिंग का जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हरा होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग ये पता कर सकते हो। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये जो तीन टर्मिनल्स होंगे ये तो सॉकेट में लगे, लेकिन ये तीनों जो तारें जो होगी इनमें अर्थिंग का तार किसके साथ जुड़ा होता है, वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर दिया, अर्थिंग का जो तार होगा, ये जो तार होगा ये किसके साथ कनेक्ट होगा।
और आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा अपना, कल अपने वापस आएंगे और कल अर्थिंग जो होगा अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा। तो आपके जितने भी डाउट है वो अर्थिंग से संबंधित कल लेकर के आ जाइए। बॉडी से जिन्होंने भी बॉडी आंसर दिया वेरी गुड, जिन्होंने भी बॉडी आंसर दिया बिल्कुल सही है। देखो यहाँ ये अर्थिंग पिन होगी, ये पिन होगी अर्थिंग के साथ जुड़ी होगी, लेकिन इसकी जो तार होगी वह बॉडी के साथ में जुड़ी होती है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर दिया वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर दिया सही आंसर है। तो क्लास आपको कैसी लगी तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी है। और इसके अलावा अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप जिन्होंने भी जितने भी आपके हैं वहाँ आप लोग शेयर कर दीजिए इसको। देखो जितने ज़्यादा आप लोग व्यूज़ अपने हमें देंगे उतना ही हमारा मन करेगा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने का। आज ये क्लास 45 मिनट की, हो सकता है ये क्लास डेढ़ घंटे की भी हो जाए, जितना ज़्यादा आप लोग करोगे। और दूसरी बात आप लोगों को यहाँ से याद रखना है, DMRC का जो एग्ज़ाम जो होगा ये फरवरी के एंड के अंदर होने की पूरी संभावना है, फरवरी के एंड के अंदर होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए ध्यान रखना कि चैप्टरों को उन चैप्टरों को पहले करेंगे जो चैप्टर आपके जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपकी जो ऑप्शनल क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है वो आप लोग जरूर देखें, जो आपके 60 क्वेश्चन हो चुके हैं उसके बाद आगे जो होगी क्लासें अभी चलेगी और ठीक है आपको काफ़ी अच्छा सीखने को मिलेगा वहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो सर्दी भी काफ़ी बढ़ रही है आप लोगों को पता है। और क्लास कल कमेंट आया था कि क्लास 9 बजे कर दीजिए, 9 बजे संभव नहीं है, आप लोग जितना संभव हो इसी टाइम आने का प्रयास कीजिए, 7 से 8, 8:30 बजे के बीच का टाइम आप लोग दीजिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद जो अगली क्लास रहेगी टेस्ट सीरीज भी जल्दी आ जाएगी, आप लोगों को मिल जाएगी, तब तक आप लोग निश्चिंत रहिए, तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और दूसरी बात आप लोग शेयर जरूर कीजिए क्लास वीडियो को, और जो भी आपके डाउट है वो आप लोग लेकर के जरूर आइए ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर है। और इस बार आप लोगों को कम से कम स्कोर 80-85 करना पड़ेगा DMRC में सेलेक्ट होने के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। इंग्लिश देखो, इंग्लिश की क्लासें नहीं लगाई जा सकती, अगर संभव हुआ तो हम लगा देंगे, आप लोग बस व्यूज़ देते रहिए हमें, क्योंकि बिना व्यूज़ के हम जो इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। तो देखते रहिए बीचम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसको जरूर देखिएगा।